हेलो स्टूडेंट, मेरा आपसे वादा है आज मैं आपको मैथमेटिक्स में जरूर इंटेलिजेंट बनाकर छोड़ूंगा, क्योंकि मैंने 3 घंटे रिसर्च करने के बाद 3 ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों को निकाला है जो कि काफी बार गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। और अच्छी बात ये है, हम इन क्वेश्चनों को शॉर्ट ट्रिक का यूज कर सॉल्व करेंगे। एक बार आपने ट्रिक और मेथड को ध्यान से समझ लिया, फिर तो आप इन क्वेश्चनों को दिमाग ही दिमाग में सॉल्व कर लोगे, पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको मैथमेटिक्स में इंटेलिजेंट बनना है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, काफी कुछ नया सीखने वाले हो। तो फिर सवालों को सॉल्व करने का कार्यक्रम शुरू किया जाए। क्वेश्चन नंबर 3 को देखकर घबराना नहीं है, डरना नहीं है, ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। ये एक क्वेश्चन अलग लिखा है, उसी के साइड में दूसरा क्वेश्चन लिखा है। देखिए, ध्यान से समझिए, जब भी किसी नंबर के ऊपर 2 लिखा हो तो हम उसे बोलते हैं इंग्लिश में स्क्वायर। सिर्फ तब स्क्वायर बोलना है जब सिर्फ और सिर्फ 2 लिखा होगा। जैसे 1 के ऊपर लगाए तो 1 स्क्वायर, 2 के ऊपर लगाए तो 2 स्क्वायर, 3 के ऊपर लगाए तो 3 स्क्वायर। स्क्वायर को हिंदी में वर्ग बोलते हैं। अगर आप इसे हिंदी में बोलते तो ऐसे बोलते हैं, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग। अब जैसे मुझे 2 का वर्ग कैलकुलेट करना होता तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 में करना पड़ेगा, आंसर आएगा 4। ऐसे ही अगर मुझे 4 का स्क्वायर करना पड़ेगा 4 का वर्ग, तो मुझे 4 का गुणा 4 में करना पड़ेगा, तो आंसर आएगा 16। ऐसे ही अगर मुझे 20 का वर्ग करना है तो 20 का गुणा 20 में करना पड़ेगा, जो कि आएगा मेरे पास 400। अब ट्विस्ट समझिए, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, इसी प्रकार से मुझे स्क्वायर करना है, फिर उसको जोड़ना है, और करते करते मुझे 80 नंबर तक स्क्वायर कर जोड़ना है। कर लोगे आप? मैं कहता हूं आप सुबह से करना शुरू करोगे तब आपको शाम हो जाएगी, करते करते काफी पेज भर जाएंगे और गलती के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। तब भी ये गारंटी नहीं है कि आप क्वेश्चन को सही सॉल्व कर पाओगे, लेकिन हम इसे एक ट्रिक की मदद से यूं चुटकियों में सॉल्व करने वाले हैं। जब भी आपको इस टाइप की सीरीज मिले एकदम ऑर्डर से लगी हुई, जैसे 1 2 3 4, 20 21 22, इस प्रकार से, और लास्ट में एक नंबर दिया हो, जैसे यहां पर दिया है 80 और 70, कोई भी नंबर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वहां पर हमें उस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, n फिर ब्रैकेट में n+1 फिर 2n+1 और अपॉन में 6, इसे लगाइए और आंसर पाइए। पहले वाले क्वेश्चन में हम n की जगह लास्ट वाला नंबर मानेंगे जो है हमारे पास 80, हम 80 रख देते हैं, पहले आएगा 80, इनके बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह लगाना है। n की जगह 80 रखेंगे, 80+1 81, यहाँ 2n है, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 80 में तो 160 आएगा, और 1 ऐड कर देंगे उसमें तो 161 आएगा, 6 नीचे रहेगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, यहाँ आएगा 40, यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे तो 27 आएगा। अब बस एक सिंपल चीज बची है, आपको मल्टीप्लाई करना है। मैं ऐसा मानकर चल रहा हूं आपसे मल्टीप्लाई करना आता होगा। मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा हमारे पास 1,73,880। और देख लीजिए आप, हमने बगैर कैलकुलेटर के आंसर निकाल लिया। मैंने आपको समझाया है इसीलिए मुझे कुछ सेकंड का टाइम लग गया, वरना आप तो बहुत जल्दी सॉल्व कर लोगे। इस दूसरे वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है, अभी आपको समझ में आएगा। इस वाले क्वेश्चन को भी हम ऐसे ही करेंगे जैसे ऊपर वाला सॉल्व किया था। n बराबर 70 मानेंगे तो हम यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे, n यानी कि 70, n+1 यानी कि 71, 2n+1 यानी कि 141 अपॉन में 6, 2 से काटेंगे 3 आएगा, यहाँ आएगा 35, 3 से काटेंगे हमारे पास यहाँ आएगा 3 चौक 12,
तीन सत्ते 21, 35 गुणा 71 गुणा 47, सभी संख्याओं में गुणा करने के बाद आंसर आएगा 116,795। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, हमने ये क्वेश्चन का आंसर निकाला है, क्या ये सही है या गलत? देखिए आंसर तो हमने सही निकाल लिया है, लेकिन यहाँ आपको सीरीज ध्यान से समझनी है। हमारे पास सीरीज की शुरुआत 20 से शुरू हो रही है, 20, 21, 22, 23। इसमें हमें पिछले नंबर नहीं दिए, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10 ऐसे नंबर तो दिए ही नहीं है, और हमने जो आंसर निकाला है वो सीरीज एक से शुरू होती और 70 तक जाती, उन सब का निकाल लिया है आंसर। तो अभी हमें जो नंबर नहीं दिए हैं उनका भी आंसर निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर दोबारा से एक सीरीज बनाएंगे और वहां लिखेंगे 1² + 2² + 3² और ऐसे जाएंगे और 19² तक लिखना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये वो नंबर है जो हमें इस क्वेश्चन में दिए नहीं गए हैं। और इस बार n बराबर हम यहाँ पर 19 लेंगे, तो 19 × 20 × 39/6, 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, यहाँ 10 आ जाएगा, इस 3 से डिवाइड करेंगे 39 को 13 आएगा, 19 × 10 में करना है, जो आंसर आएगा 13 में करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा 2470। अब हमने जो टोटल आंसर निकाला था उसमें से 2470 को माइनस कर देंगे, आंसर आएगा हमारे पास 114,325। अगर सीरीज की शुरुआत 1 से हो रही है और एंड तक लास्ट नंबर तक जा रही है तो हम पहले वाले क्वेश्चन की तरह सॉल्व करेंगे, और अगर सीरीज की शुरुआत बीच में कहीं नए नंबरों से हो रही है तो हमें दूसरे क्वेश्चन की तरह सॉल्व करना पड़ेगा। पहले टोटल आंसर निकालेंगे, फिर जो नंबर हमें नहीं दिए गए उनका आंसर निकालकर घटाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपने ध्यान से समझ लिया तो आप इसी बेस पर हजारों क्वेश्चनों को यूं चुटकियों में सॉल्व कर लोगे बहुत ही कम टाइम में। 105 का गुणा करना है 109 में, हमें बस एक शर्त माननी है, नहीं तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है और ना ही हमें पुराने वाले तरीके की तरह इन संख्याओं का गुणा करना है, मैथमेटिक्स का यूज कर प्रॉपर आइडेंटिटी से सॉल्व करना है। 105 को हम लिख सकते हैं 100 + 5 और ऐसे ही यहाँ पर लिख सकते हैं 100 + 9, इस तरीके से। यहाँ पर आपको एक आइडेंटिटी याद रखनी है, जब भी x + a और x + b इस फॉर्म में कोई क्वेश्चन लिखा हो तो हम उसे लिख सकते हैं x² + a + b × x + a × b। यहाँ पर x की जगह 100 है, a की जगह 5 है और b की जगह 9 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 100² + 5 + 9 × 100 + 5 × 9। 100 का स्क्वायर करेंगे, 1 के आगे 4 टाइम 0 लगा देंगे, 5 और 9 को ऐड करेंगे 14 आएगा, 14 में मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, हमारे पास आ जाएगा 14 00 और यहाँ पर 45 आएगा। अब सभी नंबरों को ऐड कर लेंगे, बधाई हो, बगैर कैलकुलेटर के बहुत ही कम टाइम में हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, आंसर आएगा 11,445। काफी बच्चे इस क्वेश्चन को देखकर दिमाग तो लगाते नहीं है, गलती बताते हैं, वो इस 01 को 0 ही समझ रहे हैं और आंसर 0 बता रहे हैं इस क्वेश्चन का। भला 0 कैसे आ सकता है, थोड़ा सा डिफरेंस समझिए, मान लीजिए 9 लिखा है, अब ये सिंगल डिजिट है और ये मेरे पास लिखा है 15, ये डबल डिजिट है, तो अगर आप चाहो तो इस सिंगल डिजिट के यहाँ पर 0 लगा दोगे तो ये 9 के बराबर ही होगा, चाहो तो आप 0 लगाओ या मत लगाओ। ऐसे ही मैंने यहाँ पर 0 और 1 लिखा है,
तो ये हमारा वन ही माना जाएगा, आप जीरो ना समझें। अब सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये है इस क्वेश्चन में कि फाइव के ऊपर तीन लिखा है, अगर किसी भी नंबर के ऊपर दो लिखा होता तो हम उसका मल्टीप्लाई दो बार करते, लेकिन यहां लिखा है तीन, तो फाइव का मल्टीप्लाई तीन बार करेंगे। फाइव फाइव जार 25, 25 फाइव जार 125। तो हमें ये तो पता चल चुका है फाइव क्यूब की जगह पर 125 आएगा, लेकिन सबसे पहले किसे सॉल्व करना है ये समझना जरूरी है, और इस चीज को समझने के लिए हमें समझना जरूरी है बोर्ड मास रूल। बोर्ड मास में पहले नंबर पर बी आता है जिसमें ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ओ का मतलब होता है ऑफ जिसमें किसी भी नंबर के ऊपर पावर को सॉल्व करते हैं, डी का मतलब होता है डिवाइड, एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ए का मतलब एडिशन यानी कि प्लस, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस। पहले नंबर पे ब्रैकेट को सॉल्व करना है, दूसरे नंबर पे पावर को, तीसरे नंबर पर डिवाइड को, चौथे नंबर पर मल्टीप्लाई को, पांचवे नंबर पर एडिशन को और छठे नंबर पर माइनस को। लेकिन हमारे इस क्वेश्चन में प्लस माइनस ब्रैकेट तो है ही नहीं, तो हमें सिर्फ डिवाइड पावर और मल्टीप्लाई तीन ऑपरेशन परफॉर्म करने। सबसे पहले अब हम यहां पर पावर को सॉल्व करेंगे, 125 आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, और 1 का मल्टीप्लाई 01 में या फिर 1 का मल्टीप्लाई 1 में करने पर 1 ही आएगा, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 1 होगा। अब जाते जाते होमवर्क में एक और मजेदार क्वेश्चन को लेकर जाइए, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1, करेक्ट आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं इंतजार कर रहा हूं। धन्यवाद।